आएगी आपके पास। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल आयांस। तो फ्रेंड्स, आज मैं काफी टाइम बाद आज गई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रैंक लेकर। अभी मेरा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, रात के भी बज रहे हैं 11:30 और पति देव मेरे बेडरूम में कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का। तो आज पति देव को थोड़ा चिढ़ाने का मन कर रहा है, तो चलो पति देव के लिए लेते हैं मजे। अभी मैं जाने वाली नहीं हूँ, यहीं पर थोड़ा सा पति देव को वेट कराती हूँ और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको पतिदेव कर क्या रहे हैं। तो पतिदेव बेडरूम में कुछ काम कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैंक। पहले छिपा देती हूँ कैमरा। और हाँ, अगर आपको मेरा ये प्रैंक पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और हाँ इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर लेना। A few moments later. सुनो। हाँ, क्या हुआ? सुनो, मैं कब से बुला रहा हूँ। अरे आप अपने काम करिए ना, कुछ काम कर रहे थे ऑफिस का। तुमको कब से बुला रहा हूँ, तुमको सुनाई नहीं दे रहा। अरे तो कर लीजिए ना, मैं बैठी हूँ, आप जाइए अपने काम को। फिर से वही टी शर्ट पहनी सड़ी हुई। एक ही टी शर्ट मिलती है हमेशा। हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ एक बेडशीट का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। ये सारी शॉपिंग मैंने की है बुलबुल शॉप के meralink.com से। अगर आप भी ये बेडशीट का कलेक्शन परचेज करना चाहते हैं तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ और जल्दी से परचेज करो। और हाँ, बुलबुल शॉप एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जिसमें अदर एप्स की कंपैरिजन में बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में प्रोडक्ट मिलते हैं, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और इसमें हमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है, फ्री डिलीवरी का ऑप्शन मिलता है। अगर हमें कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो हमें 5 डेज एक्सचेंजेबल का ऑफर मिलता है। अगर हम कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद आता तो हम उसे 5 डेज के अंदर ही उसे रिटर्न कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। तो गाइस, फर्स्ट कलेक्शन है मेरा ये ब्राउन कलर का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेडशीट जो कि चेक में है। और इसमें आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे ब्राउन कलर के लीव्स और फ्लावर्स बने हुए हैं। और ये गाइस डेफिनेटली बिलीव करो, ये बेडशीट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि इसमें सब डील ऑफ द डे का ऑफर चल रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसको 24 आवर्स के अंदर ही परचेज करते हैं तो इसका MRP है 699, बट अगर आपने इसको 24 आवर्स के अंदर ये बेडशीट को परचेज किया तो आपको ये बेडशीट मिल सकती है सिर्फ 333 में, 333 रुपए में आपको ये बेडशीट आपकी हो जाएगी। तो गाइज, वेट किस बात का, अभी जाइए और इस बेडशीट को परचेज करिए। तो गाइस, सेकेंड बेडशीट है मेरा ये 20 कलर का फ्लोरल प्रिंट बेडशीट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेडशीट है, इसका MRP है 1299, बट ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा 479 में। इसका मटेरियल है पॉली कॉटन, बट गाइस इसकी लेंथ काफी अच्छी है और आप देख सकते हैं ये बेडशीट बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी है। तो गाइस, देर किस बात की, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाइए और परचेज करिए। सो गाइस, थर्ड बेडशीट है मेरा ये ब्लू कलर का पॉली कॉटन फैब्रिक का ब्लू ज्योमेट्रिक प्रिंटेड बेडशीट। देख सकते हैं आप ये कितना ब्यूटीफुल सा बेडशीट लग रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, इसका MRP है 899, बट फ्रेंड्स आज आपको ये डील ऑफ द डे के ऑफर में सिर्फ मिलेगा 444 रुपए में। ये बेडशीट सिर्फ आपका हो सकता है। तो गाइस प्लीज, देर किस बात की, जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जाओ और बेडशीट को परचेज करो। और हाँ गाइज, अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो और गाइज, फोर्थ बेडशीट है मेरा ये मल्टी कलर का डांडिया प्रिंटेड बेडशीट विथ 2 पिलो कवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी, ये सारे बेडशीट हमें 2 पिलो कवर्स के साथ मिलते हैं। और ये देखिए, इसमें बहुत ही प्यारी डांडिया की प्रिंटिंग की गई है विथ 2 पिलो कवर्स। इनकी लेंथ वगैरह बहुत अच्छी है। और हाँ, इस बेडशीट की MRP है 1200, बट आपको ये मेरे लिंक के थ्रू परचेज करने पे सिर्फ मिलेगी 399। तो जाइए गाइस, अभी मेरे लिंक के थ्रू परचेज करिए और इस बेडशीट को अपना बनाइए। और फ्रेंड्स, मेरी ये लास्ट बेडशीट है मल्टी कलर की, पिंक और ब्लू में चेक्स हैं इस बेडशीट में और ब्राउन कलर से डॉट्स बने हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये बेडशीट है।
और इसमें दो पिलो कवर्स मिलते हैं। आपकी लेंथ काफी अच्छी दी हुई है और लेस कॉटन मटेरियल है इसका, काफी अच्छा बेडशीट है। फ्रेंड्स इसका MRP है 999, बट अभी आप ये मेरे लिंक के थ्रू परचेज करेंगे तो आपको सिर्फ 499 में मिल सकती है। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए ऑर्डर प्लेस करिए। इतनी अच्छी बेडशीट को अपना बनाइए। इसमें सड़ी होती है यार, एक तो गर्म करोगे कैसे बैठी रहोगी जब से। गर्म दूध कभी अपने से भी कर लिया करिए, मतलब हद है यार, पति नौकरी करके ये सब करे। खुद अंबानी पति नौकरी करके ना दूध गर्म करके पी सकता है पति। हाँ ये देखो पति की रही। अरे सुनो बोलिए क्या काम है भी? कुछ नहीं, नौटंकी मत करो, ये बताओ कुछ 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 खाना पीना होने के बाद मतलब हो गया काम खत्म? आयान परेशान हो रहा है, उसका थोड़ा सा देख लो ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मतलब तुम भी अब मोबाइल लेके बैठ जाओगे टिप 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 टिप, दिन भर में पेट नहीं भरता? नहीं दिन भर नहीं पेट, दिन भर यही काम रहता मेरे पास, फोन चलाने का क्या? बड़ी सुंदर। क्या बड़ी सुंदर? अपने आप को देखिए, पुराने जमाने की पता नहीं कहाँ बाबा आदम के जमाने की टी शर्ट पहन के चले आए। यार तुमको क्या पता नहीं कैसे खुलिया सूरत शक्ल बना के रखते हैं बुढ़ों जैसा, इतनी तो उम्र भी नहीं कि लगता है जैसे 50 साल का कोई बुढ़ा हो। पति वाली फीलिंग ही नहीं आती देख। मैं देख रहा हूँ शुरू से जब से हमारी शादी हुई तुमको इस टी शर्ट में बड़ी एलर्जी है, क्यों है ऐसा बताओ? आपको कुछ पता नहीं, जब पता है आपको मुझे ये पसंद नहीं है कपड़े तो क्यों अजीब टाइप के कपड़े पहनने बैठे रहते जब देखो तब जी कही अपना काम। मतलब एक तो एक मिनट रिस्पेक्ट करना सीखो इंसान की, ठीक है? यार मतलब ऐसा थोड़ी ना, मतलब अभी कपड़े घर पे आके हीरो बन के घूमता है क्या कोई? कौन हीरो तो थोड़ा तो ढंग के पहनता है, ऐसे भी ढंग के पहनता है क्या? कितनी इसकी उम्र में 50 जैसा, देखो बाल देखो, कब से बाल नहीं कटवाए, 2-3 महीने हो गए तो बाल न शेविंग न कुछ न कुछ। कोविड है जुल्लू, समझा करो यार, मतलब कोविड टाइम में मतलब कौन जाए ऑनलाइन बाल कटवाने? तुमको एक मिनट, क्या क्या प्रॉब्लम क्या बताओ? ये देखो ये कौन है? चूसा हुआ राम आप है ना, बहुत एकदम गोलगप्पे जैसे, मुझे ऐसे ही लड़के अच्छे लगते हैं। पति थोड़ा स्मार्ट है तो होना चाहिए, मतलब फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ पति है। इनको देखो, ये देखो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, सूरत देखो, शकल देखो, हेयर स्टाइल देखो, बॉडी देखो, रोटी खा खा के तोंद निकाले ले रहे हैं। ये नहीं कि जिम जाए कुछ बॉडी वॉडी बनाए। ज्यादा नहीं हो रहा क्या? ज्यादा हो रहा मतलब कुछ ज्यादा नहीं बोली तुम? अरे नहीं वो ज्यादा वाली बात नहीं है, मतलब आपका इस समय मुझे लुक नहीं समझ में आ रहा, बहुत अजीब सा होता जा रहा है। तो लुक का क्या करना है आज? अब शादी होगी, बच्चे होंगे, अभी लुक का क्या? अचार अचार डालू क्या मैं इसको? मतलब पैसे ना कमाऊं, घर पे ध्यान ना दूं, फोकस मतलब अपने ऊपर पैसे खर्च करूं तो करना पड़ेगा ना। शकल सूरत शकल जब पता नहीं कैसे बना के घूमते, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो घर में बाल बाल देखो कहाँ से चोटी निकल गई है, सब कुछ मतलब भगवान ही मालिक है। काम करो तुम, फालतू बात मत करो मेरे, सब फोन रख दो मेरे। नहीं बस ऐसे ही मैं बोर हो रही थी आपसे, इसलिए आके देख ली फोन चला रही। फोन रखो। एक घंटा से ओहो लड़के ताड़े जा रहे हैं। हाँ हाँ क्या है जी मेरा फोन मेरा? तुम यार एक तो बकवास मत करो। क्या बकवास कर रही हूँ? मुझे तो इरिटेशन हो रहा है यार, तो इरिटेट हुई है ना मुझे क्या? एक मिनट, आदमी दिन भर घर पे ऑफिस में काम कर रहा है, उसके बाद तो तुम्हारी नकर 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 कर सुन के मैं क्या नकर नकर पकर पकर कर रही हूँ? सच बोल रही हूँ, सच कर रही हूँ। बुरा लग रहा है तो लगता रहे, देखिए अपनी तो इसकी देखिए, एकदम स्लिम ट्रिम डोले सोले एप्स बना के रखे देखो, ये ऑफिस नहीं जाते क्या? लेकिन एक इंसान होता है जिसको प्यार होता अपनी बॉडी से, हर एक चीज से कि मैं अच्छा दिखूं, इनको देखो 30 की उम्र में 50 जैसे दिखने लगे, ऐसे ही ना तो भगवान जाने मेरा क्या होगा। मुंह बना के मैं खड़े रहिए यहाँ पे, जाइए मैं आपके खड़े रहूं। कभी बोलती हूँ ढंग के ऐसे कपड़े लिया करो, अंकल जी वाले कपड़े पहनते, अंकल जी वाला चड्डा पहन के चले, अंकल जी वाली टी शर्ट। हाँ यही यही नीला चड्डा पहन के खड़े, मन नहीं कर रहा आपसे बात करने का, पता नहीं अभी इसमें देखने का मन नहीं करता आपको। सूरज सर पता नहीं कैसे अजीब सी बनाई ले रहे हैं,
तुम बड़ी सुंदर नहीं, तुम बड़ी सुंदर है। अरे तो मैं सुंदर नहीं, नहीं कम से कम पति तो सुंदर होना चाहिए ना। एक गाड़ी मतलब क्रीम पाउडर पोतने साथ कितना क्रीम पाउडर लगाती हूँ, बचपन से ही ऐसी हूँ मैं, दूध में नहाती हूँ, एक क्रीम का कमाल है। तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा, ठीक है ना, तुमको बात करनी तो बात करो, नहीं फालतू इंसल्ट मत करोगी। कौन सा इंसल्ट? नहीं नहीं जो अभी बोल रही थी ना, जैसे है आप तो वही तो बता रहे हो, सच्चाई बता रही हूँ। देखिए अपने आप को जाके एक बार मिरर में देखिए, ये कैसे लग रहा है। सूरत से क्या लेना देना यार, दिल अच्छा है ना मेरा अभी, तुमको क्या तकलीफ हो गया ना, बाहर में जाते हो मुझे नहीं। सूरत से सब कुछ होता है, दिल से कुछ नहीं होता। नहीं मुझे नहीं बनाना, दिल का चार थोड़ी ना डालना है, सूरत से कल ढंकी होनी चाहिए। सही बता रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं तुम्हारी बातें, तुमको इनको देखो, इनसे कुछ सीखो। किसको? क्या होती है स्मार्टनेस। जाइए मैं आती थोड़ी देर से, सो जाऊंगी। कुछ ज्यादा नहीं हो गया तुम्हारा? क्या ज्यादा हो रहा है, सच तो बोल रही हूँ, सच कड़वा होता है। फोन क्यों फेंक रहे हैं? मेरे से बदतमीजी की ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझ आया? तो बदतमीजी नहीं कर रही है सच। आपको क्या तकलीफ है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है यार। तो तुम्हें क्यों चिढ़ क्यों रहे हैं? बात करनी तो बात करो, नहीं बात करो तो हो गए अंकल जी जैसे, तो क्या करूं मैं? आपको पता नहीं उस दिन आपको मोहल्ले में वो लड़का अंकल बोल रहा था, मुझे किसी ने आंटी नहीं बोला अभी तक। तो एक मिनट, तुम्हारी मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा। एक मिनट, टेंशन मत करो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ मुझे। ये बोल रही हूँ कि अपना हुलिया सुधारिए, पहले तो पेट अंदर करिए, एप्स बनाइए, कुछ डोले सोने बनाइए, और ये जो बाल वाले हैं कितने अजीब अजीब से दाढ़ी वाली, देखो कितनी बड़ी बड़ी, और कपड़े तो भगवान पूछो मत, ऐसे कोई कपड़े पहनता है? ये ना जाइए अपना हुलिया सुधारिए पहले। अंकल जी जैसे पैर के कपड़े चले आएंगे। ठीक है अब बात करना तो बात करो, नहीं अभी घर में फोन लगाता हूँ, यहाँ से दो बैग में फेंक दूंगा नीचे, निकल लेना मेरे घर से, है बकवास करने, इधर बताना, इतना ही बचा है तुमको, मतलब कि तुम पति की इंसल्ट करोगी तो दुनिया के सामने। मोबाइल खोल दी, उनके पास कोई काम वाम रहता है क्या? लड़कों के पास मतलब फोटो खींचना है, एक्शन मारता है, हम ही हमारे पास भी कोई काम ना हो तो हम भी ऐसे ही करें, तो मेरे पास भी इतना ही काम रहेगा, बस जाके फोटो खींचना, फोकस मारना, तो बस इतना ही रहेगा। सारे सब ऑफिस जाते हैं, एक इंसान होता है जिसको प्यार होता है अपनी लाइफ से, अपनी बॉडी से, पर्सनल, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, लाइफ स्टाइल होता है एक इंसान का ना। देखिए अपने तोन देखिए कैसे निकल रही है, शक्ल देखो, सूरत देखो, कुछ भी मतलब डार्क सर्कल सारे, कुछ तो आदमी करते हैं कि ऐसे ही पड़ा रहता कबाड़ी की वजह से। जब शादी के लिए ढंगे थे, अभी देखो बेढंगे होते जा रहे हैं। हो गया तुम्हारा? क्या हो गया? बोल लिया तुमने कि बकवास बाकी तुमको करना भी। बकवास क्या बात है, ये तो सच है, तो लगता रहेगा, मैं क्या बोलूंगी? हां से मैं बात मत करना तुम, ठीक है ना? अभी तुम्हारी मम्मी को फोन लगाता हूं, भगो यहां से, ज्यादा तो निकल जाओ घर से, तुम्हें ढंग का लड़का मिले तो जाके शादी वादी कर लो, सेट हो जाओ, जितनी इतनी पड़ी है तो। पर मेरे मेरे सामने बकवास मत करना आज को, तुम सुन लिए, कान खोल के सुन लेना। तो जाइए ना, मैं थोड़ा बोल रही हूँ बकवास करने के लिए, मैं थोड़ी ना आई थी आपके पास। इतना महंगा फोन क्यों? इतना महंगा फोन? अब मेरे से लपड़ लपड़ खा जाओगे तुम, ठीक है ना? जाइए ना अपने कमरे में, क्या दिक्कत है आपको, क्या तकलीफ है? यही सिखाना है बच्चे, बच्चे को सिर्फ बिगाड़ रही जब से। चलो चलते पति देव को मनाने। दिमाग खराब हो गया, निकल जाओ मेरे घर से। ओ पतिदेव, पतिदेव क्या हो गया? नहीं बात करनी, बात मत करनी, बीवी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, पता नहीं आपको। जाओ यार प्लीज। क्या हो गया? मुझे नहीं बात करनी। क्या हुआ? क्या मुझे नहीं बात करनी, लीव मी अलोन यार प्लीज, थोड़ा सा छोड़ो मुझे अकेला।
जिंदगी मेरी है, ठीक है ना, मुझे अपने हिसाब से जीने दो। तुम बताने वाले कोई नहीं होती, ठीक है ना, कि तुम मुझे हर चीज बताओ। जिंदगी मेरी नहीं, जिंदगी हम दोनों की है, हम जिएंगे साथ मरेंगे साथ। अरे तुम्हारा यार निकल लो मेरे घर से, घर किसका, घर तो हमारा है ना, मेरा थोड़ी ना है। मुझे नहीं बात करनी ना यार। ओ पतिदेव, पतिदेव गुस्सा मत करो, देखो मैं गुस्सा हो जाऊंगी फिर। ओ पतिदेव, अरे बुलशिट सुनो, इधर देखो मेरे तरफ देखो। मुझे नहीं देखनी, अपनी सूरत अपने पास रखो। तो फिर उधर देख लो, वो देखो, देखो ना, वो देखो उधर कैमरा लगा दिया मैंने। तो मतलब तुम एक मिनट, एक इंसान होता है इंसल्ट करता है, एक इंसान इंसल्ट करता है, तुमने तो दुनिया के सामने धो दिया। तुमने रियल में मुझे नहीं, मैंने सबको पहले बोला था मेरा पति दुनिया का सबसे स्मार्ट, सबसे सुंदर, सबसे हैंडसम पति है, वो सबको पता, वो सबको पता है, सब लोग आपकी तारीफ भी करते हैं ना। नहीं बात, मैं तो ऐसे जानबूझ के आपकी इंसल्ट कर रही थी, क्योंकि पता मेरा मन किया, आप काम कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये कुछ ज्यादा बिजी है, तो इनका इनके मजे लिए ले लिए जाते हैं, तो हम सोचे आपके ऊपर आज प्रैंक कर लिया जाता है, आप इतने प्रैंक करते हैं, हम सोचे एक थोड़ा सा आपको प्रैंक कर लेते हैं, चिढ़ा लेते हैं। और बाकी रही इस टीशर्ट की बात, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बाकी पति मेरा वो मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पता है। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा प्रैंक? पतिदेव देखो थोड़ा ज्यादा दुखी हो गए हैं, पतिदेव कुछ बोलना चाहेंगे आप? अरे प्रैंक है, सच नहीं है ये, मुझे इनको मनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, इनको तो मैं मना ही लूंगी। बाय बाय।